है विकास बनाम एक व्यक्ति के खिलाफ हो रहा है। विकास, भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर वोट मांग रही है और जो कांग्रेस है वो वहां पर श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नाम पर, एक व्यक्ति के नाम पर वोट मांग रही। आप जानते हैं देश की जनता बहुत जागरूक है और कोलारस और मुंगावली की जनता भी उसी तरीके की जागरूक है, वो विकास के नाम पर वोट देगी। जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने शासनकाल में सड़क, बिजली, पानी की जो दुर्गति करी थी, उस दुर्गति को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहले फेस में उन दोनों ही क्षेत्रों में, विधानसभा क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पानी का जो एक जाल वहां पर बिछाया है और जो विकास किया है उसी का ये आप जो इस तरीके का जो टर्नआउट देख रहे हैं और ये जो ऐतिहासिक विधानसभा चुनाव वहां पर हुए हैं, और मुझे लगता है जिस तरीके की छटपटाहट कांग्रेस में हम देख रहे हैं वो साफ तौर पर ये बताती है कि हार का ठीकरा जो है वो कांग्रेस जो है वो इस तरीके से करना चाह रही है कि वो इसलिए हारी कि बीजेपी ने ये किया या वो किया। हम तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता का जो माननीय मुख्यमंत्री जी के रोड शो में और आम सभाओं में जिस तरीके का जनता का टर्नआउट था वो पोलिंग प्रतिशत को बढ़ाने में काफी योगदान। छटपटाहट इनकी थी और विधायक आपके हिरासत में लिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले का झूठ वर्ल्ड में कोई बोल नहीं सकता, तो मैं तो कम से कम नहीं बोल सकता हूँ। मैं सिर्फ जो है हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र से ये निवेदन करूंगा कि मैंने जितनी अभी योजनाएं परियोजनाएं गिनाई हैं इनकी वो तारीख ही बता दें, अगर इनकी सरकार ने उसमें जो है काम किया है, इनकी सरकार ने योगदान दिया है तो ये बता दें। राजघाट परियोजना कब आई थी, मणिखेड़ा बांध कब बना था, तब इनकी सरकार थी कि नहीं थी, ये जो है रेलवे स्टेशन जो है गुना और इस नेटवर्क से कब जुड़ा है और वहां पर जो है विजयपुर का कारखाना कब आया है, ये केवल इनकी तारीखें बता दें तो मैं यहीं आपके सामने जो है छोड़ दूंगा राजनीति। झूठ जो है और वो भी इतने कॉन्फिडेंस से झूठ बोलने का जो विश्वविद्यालय इन लोगों ने खोल रखा है, मैं उससे बराबरी नहीं कर सकता, मुकाबला भी नहीं कर सकता और हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि छटपटाहट तो जनता के बीच में है, जनता के बीच में छटपटाहट है, इसीलिए तो लोग जो है पैसे बांटते फिर रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं, इसीलिए तो कलेक्टर जो है फर्जी मतदाता सूचियां बना रहा है, पकड़ा जा रहा है, इसीलिए तो जो है विधायक गण जो है वहां पर उल्लंघन करते हुए पाए जा रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं, इसीलिए तो चुनाव आयोग, केंद्र में भी इनकी सरकार है, यहां भी इनकी सरकार है, फिर क्या वजह है कि जो है चुनाव आयोग इनके मुख्यमंत्री तक को हिदायतें दे रहा है, इनके मंत्रियों को जो है चेतावनियां दे रहा है, इनके दूसरे मंत्री की पेशी कर रहा है। अगर ये निर्लज्जता पूर्वक अगर ये सारे काम विकास के काम हैं, तो ये बताएं प्रदेश की जनता को कि हम जब इस तरह से जो है मतदान का अपहरण करने की कोशिश करते हैं, जब हम इस तरह से जो है जनमत को लूटने की कोशिश करते हैं, तो इसी को हम विकास कहते हैं, ये बताना चाहिए इन्हें जनता को। विवांशु जी, जिस तरह से वोटिंग टर्नआउट रहा है उनको तो जीत ही नजर आ रही है, तमाम झूठ का पुलिंदा आप हैं। देखिए, जब इनकी राज्य में सरकार थी तब इन्होंने सड़क, बिजली, पानी उस क्षेत्र को नहीं दिया। आज इन्हीं के कांग्रेस के माननीय सांसद महोदय जो है जब शिवपुरी जाते हैं तो यहाँ से सड़क मार्ग से जाते हैं, वो सड़क मार्ग आप बताए ना किसके, जब इनकी सरकार थी उन सड़क मार्गों की क्या हालत थी, तो सड़क, बिजली, पानी की जो दुर्गति इन्होंने करी उसको आके भारतीय जनता पार्टी ने वहां तक, वहां उस क्षेत्र में भी सड़क, बिजली, पानी दिया और वहां वहां की जनता के साथ किसी तरीके का भेदभाव बिल्कुल नहीं किया। लेकिन उनके माननीय विधायकों, जनप्रतिनिधि वहां पर थे, उन्होंने उस तरीके की योजनाओं को आगे लाकर राज्य सरकार से स्वीकृति नहीं कराई, फिर भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उस क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित रही और आगे भी समर्पित रहेगी और इस योजना के लिए काम करेगा। जहां तक इन्होंने पैसे बांटने की बात कर रहे हैं, पैसे की बांटने के मैं तो इनके खुद के विधायक जो कैंडिडेट है कांग्रेस के वो स्वयं शामिल है और शगुन के नाम पर उनका साथी जो है वो मतदाताओं को पैसे बांटने की बात कर रहा है। सीधे तौर पर वो उसने स्वीकार किया है उसके जो उम्मीदवार के साथी ने कि मैं शगुन के नाम पर पैसे निकाल रहा था। अब एक जगह देखिए कितनी कितना विरोधाभास है, एक जगह पैसा नहीं दिखा तो ये कह रहे हैं कि वहां पर गाड़ी में पैसा था, एक जगह जहां पैसा इनके पास कांग्रेस के साथी के पास पैसा दिया दिखा, कार्यकर्ता के पास पैसा दिखा, तो वहां वो कहते हैं वो शगुन का पैसा था। मतलब दो बातों में आप कैसा विरोधाभास, जहां पैसा नहीं दिखा वहां ये कहते हैं इतने लाख का पैसा था और इस गाड़ी से जा रहा था। मतलब ऐसा विरोधाभास तो आप सिर्फ कांग्रेस से ही आशा कर सकते हैं। बातें कुछ करते हैं, कथनी और करनी में कांग्रेस के हमेशा से फर्क रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जैसी कथनी है वैसी ही करनी है और हम आप देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा से चाहे चुनाव के पहले जी शगुन आपका और ये करें तो शिकायत। नहीं, देखिए जो चीज है सामने है, निर्णय लेने वाले इन्हीं के कलेक्टर साहब हैं,
निर्णय लेने वाली इनकी सरकार है, उसी ने जो है अपनी रिपोर्ट बनाकर सफाई पेश की है। इसमें कांग्रेस तो कहीं भाग ही नहीं रही है, और उसी कलेक्टर ने और उसी सरकार ने इनके लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। तो अब इसमें जो है ये अगर ये खुद ही अदालत हो गए हों तो ये बताएं और ये कहें, अपना निर्णय सुना दें। जब चुनाव आयोग बनाया है इस देश की जो एक संवैधानिक संस्था है, और उसके मातहत कोई अगर हमारे पक्ष में कोई निर्णय आ रहा है तो उसका रोना क्यों रो रहे हैं? 2500 निर्णय हमारे खिलाफ हुए, और जब आपने जो है पूरी तरह से जो है बेईमानियां की तब तो आप रोए नहीं। आप घोड़ा डोंगरी में 17,000 वोटर एक महीने में बढ़ गए थे। ये जो खेल चल रहा था, ये खेल बरसों से चल रहा था। हमने तो पकड़ा है उसको, हमने सॉफ्टवेयर उसके लिए तैयार किया, हमने उसको जो है उनकी फिल्टरिंग करने की प्रक्रिया चालू की, तब तो पकड़ा है हमने। 20-25 हजार वोटर अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में फर्जी हो और उन्हें जोड़ा गया हो, ये क्या छोटी बात आप समझते हैं? एक 1.5 लाख की 1.75 लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25-25 हजार वोटर इस तरह से लूट करेंगे आप जनमत की, और बातें करेंगे बड़ी बड़ी और सिद्धांत की और शास्त्रों की। ये जो पाखंड है, ये चेहरे इनके बेनकाब हो चुके हैं। और दूसरी चीज मैं आपसे कहूं कि क्यों, क्या पुलिस को एक MLA प्रत्याशी के ऊपर लाठीचार्ज की नौबत क्यों आ रही? सिर्फ इसलिए कि आपको जो है 50 लाख के साथ लोगों को भगाना है और उसको जो है दौड़ के बाहर निकल जाने देना है, तो इसलिए आपने लाठीचार्ज करे, उसका तो सर फोड़ दिया आपने। ये क्या पुलिस का ये काम है क्या चुनाव के दौरान? और चुनाव के दौरान क्या ऐसी प्रक्रिया आज तक कहीं और देखी गई है कि प्रत्याशी को जो है मार मार के बेदम कर दिया हो? लेकिन ये जो है ये 5 रुपट्टी का सगुन जो देख रहे हैं, उसकी भी रिपोर्ट आप ही के कलेक्टर ने दी है। कलेक्टर साहब को समझाइए कि इस तरह की जो है अगर आपको लगता है गलत है रिपोर्ट, तो अपने कलेक्टर को आप दंडित करिए, उससे पूछिए कि तुमने ऐसी रिपोर्ट क्यों दी है। सरकार आपकी रिपोर्ट दे रही है, गाली आप कांग्रेस को बक रहे हैं। जिस तरह से रिपोर्ट की बात हो गई, लेकिन बड़ी बात है कि आप कह रहे हैं बहुत विकास किया आपकी पार्टी ने, फिर मुख्यमंत्री 5 महीने क्यों मांग रहे हैं? नहीं, ये तो देखिए लोकतंत्र में जो मुखिया होता है सरकार का, वो हमेशा अपनी अपनी योजनाओं को जनता के सामने रखता है और इस बात को कहता है कि आगे हम क्या कैसा विकास करेंगे, इस बात को जनता के सामने रखता है। और उन विकास कैसा करेंगे बात, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये मान रहे कि अभी तक हम नहीं कर पाए, 5 महीने में कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है। वो लगातार इस बात को, आप देखिए उनके भाषणों को मैं लगातार सुन रहा हूँ, वो ये लगातार अपनी भाषणों में इस बात का बता रहे हैं कि उन्होंने राज्य क्षेत्र के विकास के लिए क्या क्या किया है और साथ में आगे क्या किया जाना सकती है, उसका एक रोड मैप चुनाव के बाद बनेगा। वो हर राजनीतिक दल बनाता है और जो सरकार होती है वो अपने उसके लिए सभी जिले एक बराबर होते हैं, उनके विकास के लिए वो काम करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यदि ऐसा जो भी कहते हैं वो क्षेत्र के विकास के लिए समर्पित हैं, और वो चुनाव हो या ना हो, इससे इसको विकास को इस तरह से नहीं देखना चाहिए। और उनके लिए 7.5 करोड़ जनता उनकी अपनी है, उसका विकास करेंगे। लेकिन जहां तक उन्होंने कलेक्टर की जो बात कर रहे हैं उस शगुन वाले मामले में, देखिए न्याय का एक सिद्धांत होता है, कोई शिकायत मिली है प्रथम दृष्टया, मतलब आप देखिए प्रतिष्ठा ऐसा ऐसी कौन सी जांच अचानक हो गई जिसमें प्रथम देखिए इन्होंने कलेक्टर के बंगले का घेराव करके इस तरीके का माहौल चुनाव में बना दिया कि जो है प्रशासन को इन्होंने पूरा डराने धमकाने जैसा माहौल बनाकर वहां पर चुनाव लड़ने की कोशिश करी है। भारतीय जनता पार्टी संविधान पर आस्था रखती है, वो जो आदर्श आचार संहिता पर पूरा विश्वास रखती है और उसके तहत काम करती है। देखिए विमांशु जिस तरह से आप कह रहे हैं कि इनने बहुत प्रेशर बनाया, तमाम सत्ता आपकी वहां पर लगी रही, तमाम नेता वहां पर कैंप किए रहे, मुख्यमंत्री 7 दिन तक कैंप करते रहे, और आप कह रहे प्रेशर इनका। देखिए कलेक्टर के बंगले का घेराव किसने किया? मैं तो जो कलेक्टर के, आप देखिए ऐसे क्षेत्र में, चुनाव क्षेत्र में जहां आदर्श आचार संहिता लगी हो, कलेक्टर के बंगले का घेराव करके एक दबाव बनाना, आदिवासियों को धमकाया जा रहा है। आप बताइए वहां पर आदिवासियों को धमकाया जा रहा है, और इनसे जवाब दे देते हैं, आदिवासियों को आप धमका रहे हैं, प्रेशर डाला और इतना प्रेशर डाला आपने के प्रेशर में आ गई बीजेपी। बड़ी डरपोक सरकार है ये, कि जो है विपक्षी जरा सा एक जुलूस निकाल देते हैं तो ये डर जाते हैं। और ये सारे जो है वीडियो ये झूठे हैं, जब मंत्रानी कह रही हैं कि हम तुम्हारी गैस छीन लेंगे, हम तुम्हारी बिजली छीन लेंगे, ये इसे धमकाना नहीं, ये मोहब्बत हो रही है, ये प्यार से उन्हें पुचकार रहे हैं, ये तो शर्म नहीं आती ऐसे बातें करने में। एक मंत्री कह रहा है कि साहब जो है, और मुख्यमंत्री जी की जब बात होती है तो बड़ी चतुराई से भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके भाषणों की चर्चा करने लगते हैं। मुख्यमंत्री जी ने खुद ही रिकॉर्ड करके अपना वीडियो जो है अपलोड किया फेसबुक और सारे उस पर, वो वीडियो सुनिए, उसमें वो खुद ही कह रहे हैं कि मैंने प्रदेश के कण कण का विकास कर दिया है कोलारस मुंगावली छोड़कर, और यहाँ का विकास मैं तब कर दूंगा अगर आपका बीजेपी को वोट देंगे।
जो मुख्यमंत्री खुद अपने मुंह से ये कह रहा है, हो सकता है कि जोशी जी की सरकार अलग चलती हो मुख्यमंत्री से और इन्हें उसकी जानकारी हो और स्वयं मुख्यमंत्री को अपनी सरकार की जानकारी ना हो जी की विकास के संबंध में। जब विकास के बारे में मुख्यमंत्री स्वयं और खुद अपना प्री रिकॉर्डेड जो है इंटरव्यू अपलोड कर रहा है फेसबुक के ऊपर और सब पब्लिक डोमेन में ला रहा है, अब उसको सच मानेंगे हम ये प्रवक्ता महोदय की बात को सच माने और उसी को सच मान के हम ये बात कर रहे हैं? उसी की बात को सच माना है चुनाव आयोग ने, इसीलिए उन्होंने चेतावनी दी है, और उसी को सच माना है सारे हिंदुस्तान ने। पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई बात उठ रही है, आज ये लग रहा है कि साहब जो है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, और हत्या अकेले नहीं कर रहे हैं, ये बार बार पत्थर मार के देख रहे हैं कहीं थोड़ी सांसें तो लोकतंत्र में नहीं बची हैं। इस तरीके से जब चीरहरण हो रहा है द्रौपदी का सरेआम, तो उस समय जो है ये सब बातें, ये पाखंड की बातों का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जनता अपना निर्णय दे रही है, जनता ने खुद देखा है अपनी आंख से कि किस तरीके से नंगाई और बेहयाई से जो है लोकतंत्र को यहाँ पर जो है तार तार किया गया है, और उसी का परिणाम सामने आएगा। आप चीरहरण की बात कर रहे हैं, इसी मुद्दे से हम थोड़ा बढ़ जाते हैं आगे। जिस तरह से दो नेता हैं, एक भाजपा के नामदेव और आपके कटारे, दो ऐसे नेता, एक राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त थे और एक आपके विधायक हैं, कहीं ना कहीं इस पूरे खेल में, इस चुनाव के चक्कर में दोनों नेताओं को बचाने की डील हुई आप दोनों पार्टियों में? नहीं, मैं तो ऐसा कुछ समझता नहीं हूँ। सारी चीज पब्लिक डोमेन में है और अब तो जो है कोर्ट में है मामला सारा, वो तो उनकी जांच का विषय है, उस पर SIT का गठन हो चुका है, इसमें डील का क्या सवाल है? और दूसरी चीज ये है कि नामदेव जी के खिलाफ, नामदेव जी तो अभी गिरफ्तार हुए नहीं, पुलिस उनको अस्पताल ले गई और अस्पताल से उन्हें भगा दिया गया, अस्पताल के बाद से उनका पता नहीं है, तो ये तो जानकारी जनता ये सब चीजें खुद ही देख रही है। एक आदमी जो पुलिस कस्टडी में कहीं गया है और गायब हो गया है, तो उसे गायब करने के पीछे किसका हाथ है? आपको लगता है कि भगाने के पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मोटो था, क्योंकि उपचुनाव सामने था? देखिए, इससे पुलिस सरकार जो है अपने जो अनैतिक उद्देश्यों के लिए पुलिस की इज्जत को तार तार कर रही है और उसकी बदनामी करवा रही है, ये अपने आप में बड़ा दोषपूर्ण है। देखिए, जब जब पुलिस के ऊपर अगर जनता का विश्वास और आस्था नहीं बचेगी, तो कानून और व्यवस्था की स्थिति बचेगी नहीं। सरकार को ये सोचना चाहिए कि बहुत छोटे और क्षुद्र लाभों के लिए वो कम से कम इतनी बड़ी संस्था की छवि को नष्ट ना करें। आपने संस्थाओं की छवि नष्ट की है, इनके कटारे तो फरार है, आपके थाने से छोड़ दिए गए? नहीं नहीं, ये तो देखिए, ये कांग्रेस का, यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, यही का यही तो इनका दोहरा चरित्र है कांग्रेस का, कि जब वहाँ कलेक्टर इनके आदमी को दोष मुक्त कर दे गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, अन्याय बिना जांच किए हुए, तब वो कलेक्टर अच्छा है, वो पूरा प्रशासन का पालन कर रहा है। जब कहीं और कोई परिस्थिति हो तो वो प्रशासन खराब है, गलत है और प्रशासन दबाव में काम कर रहा है। देखिए, कानून की एक प्रक्रिया होती है, न्याय की प्रक्रिया होती है, चूंकि प्रकरण न्यायालय में दर्ज हो चुका है और FIR दर्ज हो चुकी है, तो कानून अपना काम करेगा और सरकार इस तरीके से कानून के कार्य में कहीं हस्तक्षेप नहीं करती है। ये ना कभी देखा गया है और ना कभी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कहीं होगा। अच्छा, छोड़, आगे बढ़ जाते हैं। ये बताइए, ये पूरा चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है, BJP से सत्ता का सेमीफाइनल मानती है कि नहीं, क्योंकि साल के अंत में बड़ा चुनाव होना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव जीत के लिए लड़ती है और ये भी चुनाव वो जीत के लिए लड़ रही है, क्योंकि जीत से, किसी भी जीत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ता है, तो ये भी चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी दो विधानसभाओं को जीत के लिए लड़ रही है। आगे के जो 200 पार की जो हमारी रणनीति है वो पूरी तरीके से तैयार है और भारतीय जनता पार्टी आगामी चुनाव में 200 पार की पूरी रणनीति तैयार करके अभी से तैयारी में है। कह रहे हैं विभांशु जी, 2 पार तो ये करेंगे, 200 पार भी करेंगे? 200 पार की रणनीति इनकी निश्चित रूप से तैयार है और उसका जो है प्राथमिक परीक्षण यहाँ पर हो चुका है। एक एक चुनाव क्षेत्र में अगर 25,000 फर्जी मतदाता बढ़ाए जाएंगे तो निश्चित रूप से 200 क्या, ये 600 पार भी कर सकते हैं। ये तो नई कॉन्स्टिट्यूएंसी कहीं से इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र की ओर इंगित कर रहा है और भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है ये किस तरीके से जो है जनमत पर कब्जा करना चाहती है, ये इनके इंटेंशंस भी इस चुनाव से जाहिर हो गए हैं। आधे इंटेंशंस इनके जाहिर हो गए थे अटेर में, जहाँ पर जो है मशीन में BJP की पर्ची छाप के निकाल रही थी,
और पूरे देश में इनकी थूथू हुई थी, जहां से देश में एक विषय बन गई है ये चीज। और दूसरी, अभी यहां पर इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव में जिस तरीके से मृत लोगों को, जिस तरीके से बाहर गए हुए लोगों को, जिस तरह से डुप्लीकेट एक ही आदमी को 10 जगह वोटर मतदाता बनाकर इन्होंने जो कांड किया है, उस कांड की भी सारी वास्तविकता उजागर हो गई। आपकी सजगता से चीजें रुक गई, हम कह सकते हैं सत्ता का सेमीफाइनल है कि नहीं? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, इससे जो है कांग्रेस को बहुत जिसको कहना चाहिए ऊर्जा और पूंजी मिलने वाली, इसलिए क्योंकि हम ये निरंतरता में चार चुनाव जीतेंगे। और ये दूसरा जनमत का प्रदर्शन इस दृष्टिकोण से है कि आज मध्य प्रदेश की जो जनता, विशेषकर जो मजदूर है, विशेषकर जो विद्यार्थी है, विशेषकर जो किसान है, वो बुरी तरह से पीड़ित है। और ये सरकार उनको राहत पहुंचाने, कर्मचारी जो है वो बुरी तरह से पीड़ित है, और ये सरकार उन्हें राहत देने की बजाय उनकी छाती पर गोलियां चला रही, गोलियां दाग रही है। ये बजाय उनके, उनको राहत पहुंचाने की बजाय उनको जो है दमन कर रही है उनका। तो ये जो चीज है, ये अपने आप में संकेत है कि जनता भी प्रतिकार के लिए तत्पर है और तैयार हो गई है, और ये कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी। जनता प्रतिकार के लिए तैयार है? अच्छा ये बताइए, प्रतिकार के लिए जनता तैयार है ये कांग्रेस कह रही है, ये चुनाव किसका था? सिंधिया बनाम शिवराज का था, बीजेपी बनाम कांग्रेस का था? नहीं नहीं, ये जो चुनाव था स्पष्ट तौर पर विकास का चुनाव था। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य की सरकार ने जिस तरीके से विकास पूरे मध्य प्रदेश में किया है, उस विकास का मॉडल लेकर मध्य प्रदेश की सरकार जनता के बीच में गई है। और हाँ, कांग्रेस जरूर व्यक्तिवादी चुनाव लड़ रही है, वहाँ व्यक्ति के नाम पर वोट मांग रही है। उनका कहना है कि हमारे ये नेता है और वही नेता हर जगह जाकर मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। वहाँ के उम्मीदवार उनके किसी मुझे नहीं लगता कि ये जो प्रतिकार की बात कर रहे हैं, वो वहाँ पर उस विधानसभा में जो अभी तक की कांग्रेस की सरकार को जो दो विधायक रहे उनके खिलाफ ये प्रतिकार की, जो कांग्रेस ने जनप्रतिनिधियों ने वहां जो विकास अपने स्तर पर नहीं कराने की कोशिश करी, उसके प्रतिकार की बात तो मैं स्वीकार कर सकता हूं। लेकिन मैं अभी तक ऐसी स्थिति में नहीं समझ में आ रही मुझे कि किसी तरीके के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मध्य प्रदेश में काफी माहौल है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जिस तरीके से वहां जनसभाएं हुई और उनका जो रोड शो हुआ, उसमें जिस तरीके से जनता निकली और उन्होंने अपार जनसमर्थन वहां पर जनता ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में दिया है, उससे मुझे स्पष्ट है कि जो जीत का सेहरा है वो भारतीय जनता पार्टी के ही सेहरे पर बनने वाला है। जोशी जी, ये बताइए, जिस तरह से मुख्यमंत्री को 7 दिन वहां कैंप करना पड़ जाए, 2 उपचुनाव थे, मुख्यमंत्री किसी और के हवाले भी छोड़ सकते थे, इतनी जान क्यों लगा दी? नहीं, ये तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर चुनाव जीत के लिए लड़ती है, और ये 2 विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से जीतने के लिए लड़ रही है और जीतेगी। और ये दुर्भाग्य हो सकता है कांग्रेस का कि उसे ये दो सीटें अपनी खोनी पड़ेगी। सरकार के कामकाज पर असर होता है कि नहीं? पूरा प्रशासन अगर मुगावली कोलारस में होगा भूपेन जी, तो क्या तंत्र कैसे चल रहा होगा भोपाल में? 1-1.5 महीने की सारे मंत्रियों की तनख्वाह काटनी चाहिए, और ये एग्जाम्पल जो है चुनाव आयोग को प्रस्तुत करना चाहिए कि जो अपनी संवैधानिक दायित्वों को छोड़कर वहां पर जो है तनख्वाह लेते हुए भी, जो सरकारी तनख्वाह लेते हुए भी काम कर रहे थे जो मंत्रीगण, वो जो है इस पर उनको अपने एक आदेश पारित करना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज मैं आपसे ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस नहीं, ये चुनाव सिंधिया वर्सेस बीजेपी नहीं, ये चुनाव संघ वर्सेस कांग्रेस है। ये जो है पूरे चुनाव पर संघ का कब्जा था, संघ ने ही हर कार्यकर्ता की डिप्लॉयमेंट की बीजेपी की, और संघ के प्रचारक लोगों के हाथ में ही पूरा नियंत्रण था, पैसे के लेन देन से लेके, बंटवारे से लेके, और जो किस आदमी को कहाँ पर भेजना है, कैसी ड्यूटी होगी, और इसका प्रचार भी संघ कर रहा है कि साहब जो है यहाँ भेजा जाएगा, वहां भेजा जाएगा, बैठ के वो लोग ले रहे हैं। तो ये तो चुनाव जो है हमारा संघ के साथ सामने, चुनाव जो है संघ बनाम कांग्रेस है, या सेवा दल भी उसमें अब जुड़ गया आपका पुराने बनाम कांग्रेस, ये कांग्रेस का चुनाव। लेकिन ये बताइए, परिणाम आएंगे वो जो है इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि इस विचारधारा के साथ जनता है कि नहीं। अच्छा, अगर ये 2 सीटें कांग्रेस जीत जाती है, हाइपोथेटिकल, हम देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों ही पार्टियां चुनावी मैदान में होंगी और सत्ता का समीकरण क्या होने वाला है।